हाँ जी केक के बाद में गाने छोड़ो, पहले बाइट ले लो, बाइट लो। गाइस रोलिंग देखो, पूरा दिन क्या, पूरे तीन दिन से हम बहुत बिजी हैं और बैक टू बैक शोज कर रहे थे, काम कर रहे थे। मैं जा रहा था हैदराबाद में, मेरा कॉन्सर्ट था मनीष के साथ, तो मेरे इससे पहले कोई प्लान नहीं था कि मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना, मुझे था कि मैं सिर्फ फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करूँगा। बट ये जो बंदा है, ये जो शख्स है, इसने मुझे ईद को बोला परसों ही कि भाई नहीं नहीं भाई पार्टी करनी, भाई करो भाई करो भाई करो। मैं नहीं नहीं यार, बहुत पार्टीज होती हैं, वैसे ही हम रोज़ पार्टीज करते हैं क्योंकि कपिल भी मेरा पड़ोसी है। नहीं भाई करो, तो जस्ट इसके कहने पे ये सारा हमने इतना बड़ा पंगा ले लिया। बिल्कुल सही है, सच है, बिल्कुल झूठ। और फ्लाइट में बैठे हैं सुबह हम लोग 6:30-7 बजे फ्लाइट में, मैंने कहा भाई क्या करो बर्थडे पे, तो यार कुछ नहीं, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। और स्पेशली मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता पार्टी होनी है, और ऑन द स्पॉट प्लान बनाया मेरे कल दोपहर में। इन्होंने मुझे बोला अच्छा मनीष मैं कुछ कर रहा हूँ, रात में इनवाइट आया और बस पार्टी होगी। बिल्कुल जी, और सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा जितने मेरे फैंस हैं और फैमिली मीडिया के, इतने सालों से आप मुझे झेल रहे हैं, इतने सालों से मुझे प्यार मिल रहा है, और अब फिर मेरा बर्थडे आ गया एंड आई एम श्योर कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं और आगे बढ़ूंगा और तरक्की करूँगा। अरे सर कैसे हो? हाँ जी गुड इवनिंग। मैं वही हैरान हूँ, अच्छा वाला ठीक था, जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुँचा हूँ एकदम से इतनी हवा, इतना बारिश हो गई है। पहले हमें ज़रूरत भी थी और हमसे ज़्यादा ज़रूरत तो किसानों को है, तो मैं तो प्रे करूँगा कि जितनी बारिश मुंबई में होती है पूरे इंडिया में इतनी बारिश हो ताकि हमारे किसानों की जो फसल है उसको फ़ायदा हो। बिल्कुल। देखो यार, गाना हमारा आंख मारे था, 1 बिलियन हिट हुआ, फर्स्ट इंडियन सॉन्ग है, और क्या चाहिए, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, दुआएं चाहिए, यूं ही हम मेहनत करते रहें। सो वंस अगेन थैंक्स टू माय ब्रदर, इसने कहा पार्टी करनी तो हमने पार्टी रख दी, फिर तो हम श्योर अभी काफ़ी थोड़ी देर में काफ़ी सिंगिंग विंगिंग होगी, गाना वाना होगा, और बारिश तो हुई और पहली बार मुंबई में लाइट भी गई। हाँ बिल्कुल, हम का लोग दिल्ली वालों को बोलते रहते दिल्ली में लाइट जाती है, लाइट आ भी गई है। मेगा जी, हाँ जी, सलमान भाई की तरफ से कुछ स्पेशल विशेस आए? सलमान भाई ने बहुत प्यार दिया, हमेशा प्यार देते रहे, और जब जिस दिन हमारा ईद को मैंने बताया भी था, भाई का मैसेज भी आया था कि ज़रूर पार्टी करो, और इंशाल्लाह अगर वो फ्री होंगे तो ज़रूर आएंगे। वो हमेशा प्यार करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं, एंड उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। मुझे बहुत सारे, वैसे मैं बता दूं, बहुत सारे इन्होंने राज मुझे ऑलरेडी बता दिए हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या बम फोड़ने वाले हैं ये, आई होप ये खुद ही बताएं, बट पता नहीं पाजी, वो पाजी पे छोड़ता हूं। बिल्कुल यार, देखो मैं पिछले 2 साल पहले मैंने प्लान किया था कि मेरे गाने कम आने चाहिए, मतलब हर 6 महीने में एक गाना आना चाहिए, तो फिर ये जस्सी मेरा भाई है मुझे कहता नहीं भाई तुम्हें हर 2 महीने तरह गाना आना चाहिए। सो अभी हर 2 महीने में तो नहीं, लेकिन हर 4 महीने में एक पटाखा। पहले इनका था कि हर 6 महीने में एक आना चाहिए, फिर अपने आप ही हो गया कि हर 1 महीने में 6 गाने इनके आने। नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा ही हाल है, और सारे सुपर डुपर हिट आने लगे, वो तो मतलब कहने की बात ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू जी, क्योंकि जिसके गाने चलते हों उसके गाने आने चाहिए। बिल्कुल, क्या बात। अभी हमारे ब्राइट साहब बैठे हैं, ये रहे योगेश भाई, मतलब योगेश जी ना हो तो मुंबई में होर्डिंग ना हो भाई, ये रहे। और योगेश जी को मैं बताना चाहूंगा पूरी मीडिया को, कभी भी हमें ये सपोर्ट नहीं करते। ये हमेशा बोलते हैं और हर जगह बीच में आ भी जाते हैं, जैसे अभी भी आ गए, लेकिन कभी भी ये हमें सपोर्ट नहीं करते। आज ये बोलेंगे कि भाई मैं बड़ा होर्डिंग लगाऊंगा, हैप्पी बर्थडे का लगवा रहा हूं, बर्थडे का कल लग जाएगा सबके सामने, बोल रहे हैं मेरा भी 3 अगस्त, ठीक है। अच्छा जल्द मिका जी की चला दे यार, हमारे पीछे हल्का हल्का मिका जी की लाइफ का पहला होर्डिंग होने लगा है। बिल्कुल जी, और वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी का, जितने भी आप मीडिया की तरफ से आप लोग आए अपना कीमती टाइम निकाल के, कि आप हमेशा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू, बस आप ऐसी इस तरह अपनी ब्लेसिंग्स रखना। नहीं यार, मैं मुझे बस इंडिया में इतना प्यार मिल रहा है और इंडिया में इतने मेरे फैंस हैं, और मुझे कोई नहीं होता कि मुझे बाहर जाके गाना हिट करना, मुझे होता कि मेरा इंडियन सॉन्ग ही, इंडिया में अवार्ड्स मिलते रहे, इंडिया में प्यार मिलता रहे। सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वो है जब मेरे फैंस मुझे प्यार करते हैं।
आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं बोलो सर हाय थैंक यू प्लीज कम वुड यू लाइक टू विश मी पलक प्लीज आ यार देखो इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स आए हैं यूलिया मैम आई हैं एंड पलक इज हियर हाय थैंक यू सो मच हेलो हाय सॉरी एक मिनट हाउ आर यू मैडम हाय हेलो प्लीज ये फोटो कर ली आ जाओ फोटो हो रही है ना ग्रुप फोटो कम पलक चलो आज ठीक है लेकिन आ जाओ फेस कैमरा में